सामने में दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा देखने से छोटे से फिल्टर के जैसा, लेकिन जी नहीं, ये कोई फिल्टर नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है। उसके अलावा कपड़ा धोने के अलावा इसमें सुखाने का भी सुविधा दिया गया है। नॉर्मल जो है इसमें 9 मिनट में कपड़ा वॉश हो जाता है। इसको कैरी करना, उठाना, रखना सब कुछ आसान है। बिजली का खपत भी बहुत कम है, जिसमें है हैंडीकैप्ट लोगों के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना छोटा सा सेटअप के अंदर वॉशिंग मशीन यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो बिहार के अंदर लगातार कुछ ऐसा ऐसा आविष्कार आते जा रहा है और कुछ ऐसा ऐसा नया नया चीज़ आते जा रहा है जिसको दिखाते हुए भी थकान नहीं महसूस होती है। जी हाँ, अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं पटना के एसकेपुरी एरिया में, और इस एरिया में एक छोटे से कंपनी के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है और ना कि बहुत बड़ा ऐसा दिखावा वाला कंपनी हो, पटना के अंदर, बिहार का राजधानी पटना के अंदर, इस कंपनी के द्वारा एक ऐसा वॉशिंग मशीन इन्वेंट कर दिया गया है जिसको कह लिया जाए तो इंडिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन है। हो सकता है कि वर्ल्ड का भी सबसे छोटा वॉशिंग मशीन ये हो। और ये इस तरह का वॉशिंग मशीन है जो आपके एक बैग के अंदर फिट आ सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक छोटे से बैग के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर के लिए बहुत ही पोर्टेबल और प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। ना ही इसमें ज़्यादा बिजली का खर्च है, ना ही इसमें ज़्यादा पानी का खर्च है, बिल्कुल छोटा सा आविष्कार है। और ये छोटा सा आविष्कार बैचलर और स्टूडेंट्स के लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आप वीडियो में आगे समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं, और ये जो वॉशिंग मशीन ये आपको सामने में दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा देखने से छोटे से फिल्टर के जैसा, लेकिन जी नहीं, ये कोई फिल्टर नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है। और ये जो आपको कॉम्पैक्ट सा छोटा सा ये सिस्टम दिख रहा होगा, ये एक वॉशिंग मशीन है। कितने टन का है, क्या इसका खासियत है, क्या इसमें नुकसान है, और कितना सहूलियत इससे स्टूडेंट्स को और बैचलर्स को मिलेगा, यहाँ पे के जो बिजनेस हेड हैं हम उनसे जानेंगे। ये जो वॉशिंग मशीन इन्वेंट की हैं उनका नाम है अभिषेक जी, जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, और इनके कंपनी के बिजनेस हेड हैं यहाँ पे। हम इनसे कुछ बातें करेंगे, इस वॉशिंग मशीन के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के साथ साथ विकलांग लोगों के लिए, जो व्हील चेयर पर रहते हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा चीज़ इन्वेंट किया गया है जो उनको भी काफ़ी सहूलियत दे सकता है। सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार सर, सतर्क बिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइएगा। थैंक यू, रविंद्र नाम हुआ हमारा, हम जनता ग्रुप के बिजनेस हेड हैं। और जनता ग्रुप का ये वॉशिंग मशीन आजकल सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, क्या इसमें ऐसा खासियत है जो इतना ये पॉपुलर हो रहा है? खासियत ये है कि ये मशीन को डेवलप किया गया है स्टूडेंट जो कि बैचलर रहते हैं उनको टारगेट करके। उनको एक्चुअली बैचलर में कपड़े धोने की बहुत समस्याएं आती है, कपड़ा धोने के अलावा उसको कैरी कर, बैचलर लोग रहते हैं, लड़के लोग रहते हैं, कैरी करना है उनको, रखना, वॉशिंग मशीन बड़ा अगर ले लिया तो रखने की प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से ये पोर्टेबल, बिजली भी उसमें लगता है, बिजली भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये पोर्टेबल वॉशिंग मशीन को बनाया गया है। हमारे फाउंडर हैं अभिषेक जी, उनके द्वारा। तो इसमें है कि 4.5 kg का कैपेसिटी है वॉशिंग मशीन का, इसमें 2-3-4 कपड़े आराम से धो सकते हैं, और कपड़ा एक बार में 2 जोड़ी कपड़ा इसमें धो सकता है, 2 नहीं 3 जोड़ी कपड़ा धो सकते हैं। उसके अलावा कपड़ा धोने के अलावा इसमें सुखाने का भी सुविधा दिया गया, ड्रायर का भी सिस्टम है इसमें, छोटे से वॉशिंग मशीन। इसमें जो है टाइमिंग का जैसा है, टाइमर है, जनरली आपका 3 मिनट है, 9 मिनट है, 15 मिनट है, लगा भी कनेक्ट है क्या लाइट से? हाँ, अभी ये कनेक्ट है, देखिए वॉशिंग मशीन चलने लगा करता है, उसी तरह से रोटेट होना शुरू हो गया है, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट होता है, जिस तरह से एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन जो भारी भारी क्विंटल का वॉशिंग मशीन होता है वो रोटेट होता है। ये चलने लगा, और इसमें टाइमर सेट जैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में होता है कि कितने देर तक आपको वॉश करना है। ये जैसे नॉर्मल जो है इसमें 9 मिनट में कपड़ा वॉश हो जाता है, ऐसे हल्का कपड़ा है तो 3 मिनट में भी आप ये सेट कर सकते हैं, 3 मिनट में वॉश हो जाएगा, और हैवी कपड़ा है तो 15 मिनट पे सेट कर दीजिए, 15 मिनट में वॉश। कितने देर तक ये कंटिन्यू चल सकता है? कंटिन्यू आप 9 मिनट पे सेट करेंगे, 9 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसमें पानी उनी का सिस्टम क्या कैसे है? पानी का ये है, जैसे ये पाइप लगा हुआ है, पाइप के द्वारा पानी डालना है, या डायरेक्ट बकेट से भी आप डाल सकते हैं, और ड्रेनेज का भी है, ये नीचे पाइप लगा हुआ है। अच्छा, और जितना वेस्ट पानी होगा, वेस्ट पानी है, इसको निकल जाएगा। कितना बिजली का खपत आएगा इसमें? बिजली का खपत मुश्किल से अगर एक बार में जैसे 9 मिनट चलाते हैं तो कितना होगा, एक यूनिट भी नहीं होगा। क्या प्राइस है इसका? इसका हम लोग डीलर प्राइस रखे हुए हैं 3500 रुपया, मार्केट में आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब पे 4500 रुपया में मिलेगा। और जैसे कोई डीलरशिप लेके अगर इसको आगे सप्लाई करता है तो उसके लिए 3500 रुपया हम लोग। इसका डिलीवरी भी करवा दीजिएगा? हाँ, डिलीवरी करो ऑल ओवर। हम लोग अभी जो ये ऑनलाइन जो जा रहा है फ्लिपकार्ट अमेजन से, केरल, पूना, ये सब पे अवेलेबल है। इतना पोर्टेबल वॉशिंग मशीन है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, बैचलर लोगों के लिए जो अपने घर से बाहर रहते हैं, और खासकर पटना तो अपने स्टूडेंट के हब के लिए भी जाना जाता है। उस पटना में ये देख सकते हैं आप लोग कि अंदर में रोटेट हो रहा है, जैसे एक वॉशिंग मशीन का सेटअप होता है
टोटली वैसा सेटअप है, लेकिन इतना कॉम्पैक्ट और इतना छोटा सा है जो एक छोटे से बैग के अंदर भी ये आ सकता है। ये ड्राई करने का है ड्रायर, अगर कपड़ा साफ हो जाता है तो इसके उसके अंदर सुखाने के लिए कपड़ा इसके अंदर डाल करके इसको लॉक कर देना है, उसके बाद इसको अंदर में डाल देना है, डाल देना है कपड़ा सारा अपने आप सूख जाएगा। अंदर डाल करके इसको ड्राई मोड में कर देना है, उसके बाद इसको चला देना है। ये देखिए कपड़ा ऑटोमेटिक वॉशिंग होने के साथ साथ उसके बाद इसमें कपड़ा ड्राई भी हो, कपड़ा ड्राई भी हो और बिल्कुल पोर्टेबल है, कहीं से कहीं लोग कहीं से कहीं इसको कैरी करना, उठाना, रखना सब कुछ आसान है। बिजली का खपत भी बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स लोग एक छोटे से रूम के अंदर, एक छोटे से कॉम्पैक्ट रूम के अंदर रहते हैं और कपड़ा धोने के लिए आलस करते हैं कि क्योंकि घर से दूर आए हैं और आदत नहीं बना हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बैचलर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और एक और चीज़ सर सुनने में आया कि विकलांग लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए जनता ग्रुप के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार किया गया है, डिवाइस बनाया गया है जिसमें है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनाया गया है, जो हैंडीकैप्ड फिजिकली कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं उनके लिए है। ये ग्लव्स के द्वारा आप जैसे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं तो जैसे आप इंडिकेशन देंगे, जैसे आगे चलना है तो ऐसे करेंगे तो आगे जाएगा, ऐसे करेंगे तो पीछे आएगा, मतलब ऐसे करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, का जिनका बस हाथ का ये कलाई काम करता है बस वही उसको यूज कर सकते हैं। और इसका सेटअप व्हील चेयर के चक्का में सेट हो जाएगा। हाँ, व्हील चेयर के साथ इसका सेटअप होगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ को आगे करेंगे तो आगे चलेगा, बस इसी के अनुसार उसका मूवमेंट। सेटअप अभी रेडी किए हैं? नहीं, अभी नहीं है, व्हील चेयर है नहीं हम लोग के पास। इस पे अभी काम चल रहा है, मार्केट में अभी आया नहीं? नहीं, मार्केट में नहीं आया, अभी काम इस पे चल अभी रहा है। काम कितना दिन में ये मार्केट में आ जाएगा जो हैंडीकैप लोगों को इससे सहूलियत होगी? 1 से 2 महीने में ये मार्केट में आ जाएगा, काम इस पे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। पटना के अंदर सर कंपनी का एक बार नाम बताइएगा। जनता गुरु। जनता गुरु। और ये जो मार्केट में आ जाएगा तो इसी तरह से लोग इसको भी मार्केट में लेके और ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इनोवेशन हम लोग का चल रहा है, जैसे ये रोबोट वगैरह है, इसमें बम डिफ्यूज रोबोट है, बम डिफ्यूज रोबोट बम को डिफ्यूज ये खोजने का काम करेगा, मतलब बम डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट करेगा, बम डिटेक्टर है वो जैसे। और ये चीज इसी कंपनी के द्वारा बनाया, इसी कंपनी के द्वारा अभिषेक जी के द्वारा बनाया गया है। जैसे जमीन के अंदर में बम अगर है, लैंडमाइंस है, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे लैंडमाइंस है, और इससे ह्यूमन यूटिलिटी जो डैमेज होता है उसका भी उसका बहुत कम जाएगा उससे। पटना के अंदर जनता ग्रुप के द्वारा, जनता ग्रुप के फाउंडर अभिषेक जी के द्वारा ये नया नया सा इन्वेंशन किया गया है जो कि बहुत ही कारगर साबित होगा आने वाले समय में। ये जो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं ये तो अभी कम्प्लीटली मार्केट में आ चुका है, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या यहाँ से कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हो सकता है तो हम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, ये इंडिया का सबसे छोटा वॉशिंग मशीन है जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना छोटा वॉशिंग मशीन मैंने अभी तक पहले कहीं नहीं दिखा। हो सकता है कि वर्ल्ड का भी सबसे छोटा वॉशिंग मशीन ये हो, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट वॉशिंग मशीन, इतना छोटा वॉशिंग मशीन और बिजली की खपत इतनी कम होने के बावजूद ये वॉशिंग मशीन 3 से 4 कपड़ा एक बार में धो के कंप्लीट करके और सुखा भी सकता है इतने छोटे वॉशिंग मशीन के अंदर। और ये व्हील चेयर का सेटअप जो था ये आने वाले दिनों में मार्केट में भी आ जाएगा, जिससे हैंडीकैप लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। इसके लिए हम जनता ग्रुप का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस तरह का चीज़ इन्होंने मार्केट में लाया और खास करके हैंडीकैप लोगों के लिए भी सोचा। और वो जो आप लोगों ने देखा कि बम डिफ्यूजर रोबोट है, जिससे ऐसा भी हो सकता है कि जो बम से आदमी को, ह्यूमन को यूटिलिटी में डैमेज होता था, ये रोबोट की वजह से वो भी कहीं ना कहीं कम जाएगा। तो पटना में इस जगह से ये दिखाने का यही प्रयास था कि आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाए। अगर आप इस चीज़ को पसंद करते हैं, मार्केट में मंगा सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए पटना के SK पुरी से कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।